अभी तो न्यूज़ पोस्ट के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं विधायक बंधु तिर्की जी, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। और अभी हाल में जिस तरह से केंद्र सरकार ने किसानों पे जो बिल लागू किया गया था, उसको तीनों बिल को वापस लेने की बात कही है, तो उस मुद्दे को कांग्रेस अलग तरह से देख रही है। इनका स्पष्ट कहना है कि ये हमारी जीत है, किसानों के लिए जो इनकी लड़ाई थी उसकी जीत है, और उसको इसको विजय के रूप में मान रहे हैं। और कई मुद्दों पर अभी भी केंद्र सरकार को घेरने की कवायद की जा रही है। हमारे साथ बंधु तिर्की जी मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार इन मुद्दों को लेकर जो लड़ाई हो रहा था, केंद्र सरकार ने वापस लेने बात कही है, अब इनकी मंशा क्या है, और क्या सोचते हैं कि आखिर में किसानों का कितना अहित हो रहा था जिसको इन्होंने एक किसानों की आवाज बनी है और इसको आंदोलन के रूप में लिया, और अंततः केंद्र सरकार को इन तीनों बिलों को वापस लेना पड़ा। बताइए सर, किस रूप में देखते हैं आप इसको? जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो ये तीन काला कानून बना था, ये लगभग एक साल पूरा हो गया, किसान एक साल से आंदोलन कर रहे हैं, और ये तीनों कानून के संबंध में ये काला कानून की तरह था, और सदन में भी इस कानून को आपका MSP हो, किसानों का जो नुकसान हो, ये तमाम चीज़ों के बारे में सदन में भी हमारी कांग्रेस पार्टी और भी पार्टियां इस पर मिल करके इसका जोरदार तरीके से विरोध किया। लगातार हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश इकाई के द्वारा भी जगह जगह पर इसका आंदोलन भी किया गया। इसमें भारी नुकसान किसानों को हो रहा था, और इसी के दरमियान में आपका लगातार आंदोलन का कारण अभी आपको अंत तक आपको अभी आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे चुनाव आपका हुआ, उसमें मोदी को भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा जिस तरह से उसको करारा माने उसमें झटका मिला, और आने वाले दिन में जो दो तीन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विशेषकर UP है, पंजाब है, तो ये चुनाव को समझ गया है स्थिति कि जनता उससे कितना नाराज है इस कानून के चलते, आपका जो तीन कानून जो बनाया था। और एक किसान भी लगातार बिल्कुल अनुशासित तरीके से, और हमारी कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल अनुशासित तरीके सदन से सड़क तक इसका आंदोलन किया, और नतीजा उसको ये तीनों कानून वापस लेना पड़ा। नहीं, कांग्रेस भी और भी पार्टियां जरूर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें किसी तरह का कसर उनके द्वारा नहीं छोड़ा गया। हमारे नेताओं को कई तरह का कहीं पर आपको उनको इनका मार भी झेलना पड़ा, ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस आंदोलन रही है। ये तो एक मुद्दा हो गया कि चलिए आपके आंदोलन के कारण किसान बिल बैठा दिया गया, उसको स्थगित कर दी जा रही है, लेकिन आपके दिमाग में क्या प्लानिंग है, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार का कार्यकाल अभी है, तो आप व्यक्तिगत रूप से केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे, किसानों का कैसे हित हो, क्या करना चाहिए केंद्र सरकार को, क्योंकि ये तो लापरवाही थी, इसको उन्होंने स्वीकार किया वापस। देखिए, सबसे पहले तो तीनों कानून को वापस लिया गया है, उसको सदन में ला कर उसको वापस ले, उसको समाप्त करे उसको, और जो MSP की तरफ जो बिल वगैरह बनाना है उसको सही तरीके से उसको किसान के हित में मैंने पब्लिक डोमेन में किसानों के साथ चर्चा करके जो भी बिल बनाए, चूँकि जो लोकतंत्र में और विशेषकर भारत देश के में आपका जितना लोकतंत्र मजबूत है, आप जनता के ये में विरोध में आप कोई भी कानून को आप खड़ा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको इस तरह का कानून बनाना है विशेषकर किसान हित में, अन्नदाता के हित में, उनसे बात करनी, तो उनसे बात करनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में सब बात आनी चाहिए, पार्टी से बात करें निश्चित रूप से, लेकिन किसानों को ही आगे करके इसमें बात की जानी चाहिए, और उनके हित में जो भी कानून बननी चाहिए। ये लगातार किसानों के हित में आपका आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर छात्र से लेकर तमाम लोग का, हमारा प्रदेश इकाई से लेकर हमारे केंद्रीय पार्टी, वहाँ से हमारा राष्ट्रीय लेवल पर ये आंदोलन चल रही है, और आगे भी इस आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे जब तक इसको रिपील ना किया रहे। तो आपने स्पष्ट देखा कि इस तीनों कानून को लेकर बंधु तिर्की जी शुरू से बहुत स्पष्ट थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि तीनों कानून काला कानून है और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा, तो ऐसे में स्पष्ट है कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे जीत मान रही है। वहीं इनका स्पष्ट कहना है कि अब अगर किसानों के हित में कोई कानून बनाना है तो किसानों से बात करनी होगी, राजनेताओं से बात करनी होगी, और प्रयास ये करना होगा कि किसी प्रकार का विरोध का माहौल पैदा ना हो सके। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल है, लेकिन आज जिस तरह से किसानों की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सोचना होगा कि आखिर में किसानों का बेहतर हित कैसे हो सकता है।